नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह चाणक्य हायर सेकेंडरी जयपुर ग्रांच से आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ नए वीडियो लेके। जी हाँ, आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मुसीबत के समय जो काम आए वही असली दोस्त है। और क्या हो अगर आप अपने दुश्मनों के लिए भी काम आने लग जाएँ तो उस केस में आप किसी भगवान से कम नहीं हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो मैंने सो कॉल्ड वर्ड यूज़ किया दुश्मन, वो था टर्की के लिए, और जो भगवान था, जी हाँ, भारत के लिए यूज़ किया। क्यों? क्योंकि फिलहाल आज के टाइम में हम देखें तो पास्ट वीक में टर्की और सीरिया में काफ़ी उच्च तीव्रता वाले भूकंप आए हैं। जी हाँ, रिचर स्केल 7.8 तक वहाँ पे अर्थक्वेक आया है। इसके रीजन अभी हम देखने वाले हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आया। और वहीं इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन दोस्त। जी हाँ, ऑपरेशन दोस्त, यहाँ वर्ड ही बता रहा है दोस्त, नोइंग द फैक्ट कि हमारे और टर्की के रिलेशनशिप क्या रहे हैं पास्ट में। बिफोर वी बिगिन के ऑपरेशन दोस्त क्या है, एक ब्रीफ बैकग्राउंड हमें देखना होगा इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप में। देखिए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा ही होगा खिलाफत मूवमेंट, भारत और टर्की के रिलेशनशिप तभी से चलते आए। इवन इनफैक्ट गांधी जी ने ओपनली सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, जो कि एक तरीके से प्रो टर्की ऑटोमन एम्पायर था। वहीं पे आप देखेंगे कि गांधी जी ही हेड थे खिलाफत कमेटी के, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ये अपने आप में शो करता है कि इंडिया और टर्की में कितनी बॉन होमिनस थी हिस्ट्री में। आगे जाके हम ये देखते हैं कि टर्की वो वाली ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल उनका ख़त्म हो जाता है और ब्रिटेन का एक तरीके से उन पर रोल आ जाता है। और यहीं पर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट वैनिश हो जाता है। कोई बात नहीं, अब जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, भारत के पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, अब टर्की की जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसके अंदर भी ट्रांजिशन आ जाएगा। टर्की सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को ओपनली फेवर करता है, इवन वो फ्री कश्मीर को भी सपोर्ट करता है। और जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, टर्की ने सबसे पहले इसके अगेंस्ट में वॉइस उठाई थी और पाकिस्तान का साइड दिया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया की मेंबरशिप को पाकिस्तान और टर्की एक साथ रोकते हैं। तो आप ये देखिए कि टर्की एक तरीके से हमारे दुश्मन का ही काम करता जा रहा है, और हमने ओपनली टर्की के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड टर्की सपोर्ट्स पाकिस्तान, बस वो हमारे अगेंस्ट है। अब वहां पर आ जाता है भूकंप। भूकंप ये देखते हैं कि वहां पर आया ही क्यों, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी जानना भी बहुत जरूरी है। अगर ये वाला जो पॉइंट है, मैं टर्की को मार्क कर रहा हूँ आपके हिसाब से, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आता है अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट, ये मेजर प्लेट है। इधर आता है अरेबियन प्लेट, और ऊपर आता है आपका यूरोपियन, यानी उसका एक छोटा सा पार्ट है एनेटोलिया। एनेटोलिया एक प्लेट्यू भी है टर्की में। ये तीनों प्लेट का एक जंक्चर पॉइंट है, और वो जंक्चर पॉइंट खुद आता है टर्की में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेट का जो मूवमेंट है वो ऐसे फ्रिक्शनल स्लिप पास मूवमेंट होता है। जब दो प्लेट पास में आपस में आती है, इनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, दूर जाती है तो बोलते हैं डाइवर्जेंट, और जब दो प्लेट आपस में ऐसे ही रगड़ खाती है तब उनको बोलते हैं स्लिप पास। ये वाला जब मूवमेंट है वो जब होता है तब चांसेस बनते हैं मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स के आने के। आपने सैन एंड्रियास फॉल्ट का भी नाम सुना होगा, वो भी स्लिप पास एक्टिविटी की वजह से ही होता है। इसलिए देखिए, तीन भूकंप वहाँ पर लगातार आए, जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स भी वर्ड देते हैं। और सिर्फ टर्की ही नहीं, सीरिया के अंदर भी बुरी हालत है, और कहा जा रहा है एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 20,000 से भी लोग ज़्यादा वहाँ पर अभी तक ख़त्म हो चुके हैं। अब जब वहाँ पर भूकंप आ जाता है तो सोचिए सबसे पहले मदद करने के लिए कौन पहुँचा होगा, भारत। तभी तो मैंने शुरुआत में कहा कि भारत भगवान से कम नहीं है। हम जानते हैं कि हम एक सुपर पावर हैं, हम जानते हैं कि हम एक सॉफ्ट पावर हैं, और ये दुनिया हमारे लिए एक घर है, वसुदेव कुटुंबकम, यही हमारी फिलॉसफी है। टर्की में भले ही भूकंप आया हो, उसको बचाने कोई और किसी को कभी भी आना चाहिए होगा, हमें उसमें जाना ही नहीं था। हमने बस ये देखा कि हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में, अगर कहीं पे कुछ भी गलत हुआ तो हमें सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना होगा। और सबसे पहले डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल इक्विपमेंट, पैरामेडिकल फोर्सेज, और जितना भी वैक्सीन रिलेटेड, एड रिलेटेड, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ रिलेटेड जो भी एड था, हर संभव मदद हमने सबसे पहले दी है। और यहीं पर आता है ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन दोस्त में हमने सिर्फ टर्की की मदद नहीं करी, हमने सीरिया की भी मदद की है। और भारत वो सबसे पहला देश था जिसने सबसे पहले रिलीफ पहुंचाया टर्की में। अब हम ये देखते हैं कि टर्की को इससे क्या सीखना चाहिए था। टर्की को यही आज के समय में जानना चाहिए कि देखिए कि भारत आज किस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आपको वो ओपनली सपोर्ट कर रहा है,
हम बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में, और टर्की बिलीव करता है डिवाइड। इसीलिए आप ये देखेंगे यहीं पर एक की टेक अवे ये भी है, यूएस जो कंट्री जो खुद को बोलता है कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक पावर हैं, उन्होंने ऑफिशियली सैंक्शंस लगा रखे हैं सीरिया पर, और क्योंकि अर्थक्वेक सीरिया के अंदर भी आया था, तो जब दूसरे कंट्रीज मदद करना चाह रहे थे सीरिया की, यूएसए से बाकी कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप सैंक्शंस हटा दीजिए, क्योंकि अगर यूएसए सैंक्शन नहीं हटाएगा तो दूसरे कंट्री मदद नहीं कर पाएंगे। यूएसए ने ओपनली मना कर दिया। दिस शोज हाउ क्रूअल इज यूएस। वहीं इंडिया ने सीरिया की भी मदद करी और टर्की की भी मदद करी। जी हाँ एस्पिरेंट, और यही है हमारा ऑपरेशन दोस्त। इसमें की टेक अवेज एस्पिरेंट सबके लिए ये भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल GS1 में हमारा आता है ज्योग्राफी। आपको ये देखना होगा कि टर्की का लोकेशन कहाँ पर है, सीरिया का लोकेशन कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी पे बॉर्डर कंट्रीज कौन से हैं हमारे, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी आप देखेंगे कि PYQ में काफ़ी बार पूछा गया है। अगेन पॉलिटी में अगर आप आएंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन होता क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, वो फाउंड कब हुई थी, और IR के अंदर और स्पेशली एथिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया और US का एक केस स्टडी मैंने आपको दिया। और जी हाँ, जैसे मैंने भी बीच में बात किया था, IR आपको ये जान के शौक होगा, टर्की इकलौता वो नाटो कंट्री है जिसके पास F-400 मिसाइल है, और ये मिसाइल सिस्टम हमारे पास भी है जिसको हम एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। टर्की नाटो का मेंबर होते हुए भी उसके पास F-400, इसको आप याद रखिएगा। आगे ऑपरेशन दोस्त में हम उनको और क्या क्या रिलीफ देते हैं, और फ्यूचर हमारे और टर्की के रिलेशनशिप कैसे बदलते हैं, ये हम आने वाली वीडियोज़ में जरूर देखेंगे। थैंक यू।